नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लद्दाख में 26 जवानों से भरी बस नदी में गिर गई है और इस हादसे में सेना के 7 जवानों की दुखद मौत हो गई है और कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद जवानों का रेस्क्यू कर लिया गया था, उन्हें अस्पताल में एडमिट भी कराया गया, लेकिन हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई और कई लोगों को गहरी चोटें भी आई है। ये हादसा थोई से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ, जहाँ सेना की बस शोएक नदी में करीब 50 से 60 फीट गहराई में गिर गई थी, जिसमें सेना के सभी जवान घायल हो गए थे। सभी जवानों को प्रतापपुर के 403 फील्ड अस्पताल में पहुंचाया गया और लेह से सर्जिकल टीमों को प्रतापपुर भेजा गया। हालांकि इनमें से 7 जवानों को मृत घोषित कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल जवानों की मदद के लिए एयरफोर्स से भी संपर्क साधा गया, इन्हें इलाज के लिए वेस्टर्न कमांड भेजा जा सकता है। सेना की बस किन कारणों से सड़क से फिसल कर नदी में गिरे, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है और घटना को लेकर सेना की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं बात करें तो इस मामले को लेकर पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री के अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपना संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं अब भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी अपना भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया है। दरअसल बात करें तो खेसारी लाल यादव अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हैं कि लद्दाख में भारतीय सेना की बस नदी में गिरने से हमारे 7 जवानों की मृत्यु और कई जवानों के घायल होने की खबर से मन बहुत दुखी है। मैं जवानों के परिवार के लोगों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल जवानों को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दे। तो कुछ इस तरीके से भोजपुरी सुपरस्टार ने उन आत्माओं को शांति के लिए जो है वो कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना किया है। आप भी अपनी जो अंतर आत्मा है उसका आवाज़ इस जवानों को लेकर क्या कुछ आ रहा है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।